मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धरमं मङ्गलं वीरसासनम् मङ्गलं वीरसासनं वन्दितो सव्यसिद्धे धुवमचलमनोभवं गतिं पते समय पाहुड मृणमो सुदके बलीभरिदम् कितनी सुंदर बात यहाँ पर चल रही है समय सार में तिरपन नंबर की गाथा में कि भाई वो स्पटिक मणि के नीचे जो कलर किया है अच्छा एक काम करो लोहे की प्रतिमा रखो और फिर लाइट लगाओ हम देखते हैं लाइट में कितनी दम है कितनी ताकत है लोहे को हरा पीला नीला करने की करेगा क्योंकि उसमें इस प्रकार का परिणमन नहीं पाया जाएगा लेकिन स्पटिक में इस प्रकार का परिणाम होने की उसमें योग्यता है तो किसके निमित्त से हरी पीली हुई बोलो किसके निमित्त से तो जिसके निमित्त से हुई है उसको उसी में डाल दो अच्छा बताओ तुम्हारा बेटा शराबी हुआ किसके निमित्त से दोस्त के निमित्त से ना तो बेटा तू भी शराबी ये बेटा भी शराबी खेल खत्म हमने बात किस पे डाली अपने बेटे पे कभी नहीं डालते मेरा बेटा शराबी है कोई डालता है आज तक बोलो किस पे डालते हो तेरे कारण शराबी हुआ है तेरे साथ कबाड़ी हुआ है तेरे साथ जुआड़ी हुआ है तेरे कारण हुआ है कारण किस पे डालते हैं यद्यपि तेरा बेटा स्वयं शराबी है तेरा बेटा ही वसनी है पर कभी भी हम ये नहीं कहते कि मेरा बेटा मेरे अपने कारण है। तुम क्या बोलते हो नहीं 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 मेरा बेटा तो कभी भी अपने कारण नहीं हो सकता मैं जानता हूं उसके लिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं मेरे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है वो कभी शराब पर हाथ नहीं लगा सकता तो क्यों लगाया पक्का जो उसका वो है ना वो तो उसके कारण हुआ है तो वही तो कह रहे है कि उसके कारण हुआ है तो तेरा बेटा भी शराबी है तो उसके कारण शराबी हुआ है ऐसा व्यवहार कहेगा निश्चय कहेगा नहीं तेरा बेटा ही मतवाला है तेरा बेटा ही मतवाला है पर शुद्ध निश्चय नहीं कहेगा तेरा बेटा परमानेंट मतवाला नहीं है अभी पी है शाम को बोलो और कब उतर जाएगी तो जिनने बोला वो सब पीते हैं मैं ही बुलवाना चाह रहा था सुबह उतर जाएगी पीती तो हो भाई हर क्षण मोह की मदरा पीते हो कभी माँ को लेके कभी पिता को लेकर के कभी बच्चों को लेकर के कभी घर मकान को लेकर के कभी वस्तु को लेकर के, ले के कभी वस्त्र को लेकर के हर समय मोह की मदरा तो पीते हो और एक घंटा मेरे पास बैठते हो तो मदरा क्या? बोले महाराज जी बस यही उतरती है बाकी तो यहां के बात फिर तो और ऐसी चढ़ती है कि मैं कौन हूं इसका पता ही नहीं चलता है मेरा क्या रूप मेरा क्या स्वरूप मेरा क्या स्वभाव है इसका कुछ अता पता ही नहीं चलता है लेकिन हे प्रभु हे गुरुदेव हे जनवाणी माता जब जब मैं तेरी संगति करता हूँ तो मेरी मोह की मदरा क्या होती है उतर जाती है सुनो भैया इसलिए पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ऐसा निमित्त के पास जाओ जिससे तुम्हारी मदरा उतरे ढूँढो ढूंढो बिल्कुल ढूंढो यद्यपि वो परिणाम भी तेरे परिणाम नहीं है शुभ परिणाम भी निमित्त के से उत्पन्न हुए वो परिणाम भी शुद्ध जीव के नहीं है लेकिन मोह की मदरा उतरे तो शुद्ध में जाए थोड़ा सा तो घर का नशा उतरे थोड़ा सा तो परिग्रह परिवार का नशा उतरे और जैसे थोड़ा नशा उतरे तो गुरु की वाणी प्रभु की वाणी कर्ण में जाए तो शुद्धता प्रकट हो जाए वो शुद्धता प्रकट होगी ना तो ढूंढो तलाशो एक शिष्य भी गुरु की तलाश करता है क्योंकि उसे भी शुद्ध होना है एक पत्थर भी जोहरी की तलाश करता है क्योंकि उसे भी शुद्ध होना है उदाहरण है वैसे जौहरी स्वयं जाता है निश्चय से जोरी स्वयं जाता है और निश्चय से गुरु स्वयं आते हैं पर कहना तो यही पड़ेगा ना कि गुरु शिष्य ने ढूंढा पर देखा जाए वो तो स्वयं ही दोनों मुनिराज को शेर ने नहीं बुलाया था बोलो है तुम्हारे में करुणा पैदा भाई तब तब हमें आपने अपना उपचार किया हमारा उपचार थोड़ी किया है तुम में करुणा पैदा हुई तो आपने अपने परिणामों का उपचार आपने किया है कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो आपने अपने परिणामों का उपचार किया अपने जीवन का उपचार किया हम तो निमित्त थे आपने सुनाया और सुनकर के फिर हमने अपने परिणामों का उपचार कर लिया आप ही आए थे आप ही आए थे तो ऐसे ही बल भारी से तुम्हारे बलभाग से गुरुओं का निमित्त संयोग मिलता है जीवन में गोल्डन चांस मिलते हैं पर उन गोल्डन चांस को देखने का नज़रिया हर किसी के पास नहीं होता है इसलिए वो आता है और चला जाता तुम 25-50 साल से पूजा कर रहे हो लेकिन गुरु के आने के बाद भी उनसे जनवाणी उनके मुख से ना सुनना यह तुम्हारा पाप कर्म का उदय है क्योंकि पूजा से तुम्हारे में परिवर्तन आए जरूरी नहीं है लेकिन गुरु श्री गुरु मुख से सुनने पर नियम से परिवर्तन आता है और इसलिए सारे कवि थक गए लिख लिख करके कि भैया मैं ज्ञानी हो गया लिख लिया सब लिख लिया लेकिन भाव तो यही है रहे सदा उन्हीं का ध्यान उन्हीं का ने तेरा है उन जैसी चरेया में है चेतो वो भी सत्संग चाहता है ज्ञानी भी क्योंकि उसे पता है कि श्री गुरु मुख से एक शब्द भी मेरे कान में गया और मेरी मिथ्यात्व का जो ताला लगा हुआ था वो टूटा मेरी एकांत मत की धारणा थी वो दूर हुई और मैं सम्यक मार्ग में चला वहीं से मेरा कल्याण सुनो ध्यान से कल पंडित जी बोल रहे थे ना दर्शन से देशना बलवान है क्योंकि दर्शन से आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है और देशना से क्या हो गया है मोक्ष हो गया है दर्शन से क्या गौतम स्वामी भी प्रभु के दर्शन करके उन जैसे होकर के बैठ जाए तो कल्याण नहीं है जब तक उनने महावीर से वाणी नहीं सुन ली ना और वाणी सुनकर के आत्म सात नहीं कर लिया ना तब तक उनका भी कल्याण नहीं हुआ है श्री गुरुमुख से कम से कम अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान तो सुनना ही पड़ेगा ना पांच महाव्रत और तीन पांच समिति और तीन गुप्ति ये अष्ट प्रवचन मात्रिका है इतना ज्ञान तो श्री गुरुमुख से चाहिए चाहिए है और इस ज्ञान के बल से तुम द्वासांग का ज्ञान कर लो कोई दिक्कत नहीं इस ज्ञान के बल से तुमको द्वाशांग का ज्ञान हो सकता है मुनिराज अपने शुद्धोपयोग के बल से पूरे द्वासांग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बीज बुद्धि वाले होते वो शिवभूति भी बीज बुद्धि वाला था ऐसा नहीं कि उसे केवल ज्ञान ऐसे हो गया हो लेकिन उसने भी श्री गुरु मुख से पांच समिति तीन गुप्ती का ज्ञान तो किया ही था ना तभी तो वो मुनि था तो ये ज्ञान तो तुम्हें उनके मुख से सुनना ही पड़ेगा और सुनो सुनना ही नहीं पड़ेगा उनके पास जाकर के प्रैक्टिकल रूप से जीना ही पड़ेगा एक व्यक्ति मेरे पास आए बोले यहाँ कुछ होता ही नहीं मैंने क्या कराना चाहते हो बोले हमारे यहाँ जब देखो सुबह से शाम तक तत्व तो चर्चा होती है मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तत्व तो चर्चा होती है हमारे यहाँ तत्वचर्या तो होती है क्या होती है तत्व चर्चा तो तैते सागर भी करो तो मोक्ष नहीं है पर ठीक है अशुभ से बचने के लिए बहुत जरूरी है और करना चाहिए इसका ये मतलब नहीं तत्व चर्चा नहीं करना चाहिए गोष्ठी नहीं करना चाहिए ज्ञान गोष्ठी नहीं होना चाहिए स्वाध्याय पीठ नहीं बैठना चाहिए सुध पीठ नहीं बैठना चाहिए ऐसा मेरा निषेध नहीं बिल्कुल होना चाहिए ये सरवार सिद्धि के देवों की यदि आयु तैतीस सागर हजार करोड़ अरब करोड़ सागर भी होती तब भी मोक्ष नहीं होता क्योंकि द्वास्ता था है, वो भी चर्चा चल सकती थी तो मैंने कहा भैया तुम्हारे यहाँ तत्व चर्चा होती है और हमारे यहाँ चर्या होती है महावीर स्वामी कहते हैं तत्व चर्चा उतना महत्वपूर्ण जितना चर्या क्योंकि पांच समिति तीन गुप्ति को तुमने चर्या में पालन कर लिया तो वो कल्याणकारी है और उसकी चर्चा करते रहे समझते रहे तो अच्छी बात है समझना अच्छी बात है समझना चाहिए जब तक ना समझ में आए तब तक समझते रहना चाहिए लेकिन ये भी यथार्थ में ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो पांच समिति तीन गुप्ति चर्या में नहीं आएंगी तब तक मोक्ष भी नहीं होगा डॉक्टर साहब जी बताओ होगा क्या कभी नहीं हो सकता मैं मनों को मन को गुप्त ना करूं मैं वचन को गुप्त ना करूं मैं काया को गुप्त ना करूं तो मेरा आश्रय बंद कैसे हो जाए बंद हो जाएगा और जब आश्रय बंद होता रहेगा तो उसका फल भी मिलेगा संसार भी मिलेगा ठीक है ना तो अनुव्रत तो महाव्रतों की चर्चा बहुत ही आसान है पर अनुव्रत महाव्रतों को अपनी चर्या में उतारना मैं पिछली बार आया था सिर्फ एक नियम की बात की थी भाई आज से नियम लो कि पानी छान करके पिएंगे बस एक नियम लो बस मैं निश्चित कहता हूँ तुम्हारा तीसरा भाव मोक्ष होगा कितने को चाहिए तीसरे भाव मोक्ष बताओ क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी है एक लोमड़ी भी छने पानी का रात्रि भोजन का त्याग से वो चली गई छने पानी मात्र का नियम ले लो आज से कि जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे छने पानी का होगा बस एक नियम ले लो बता रहा हूँ तुम्हें तुम हम सब लोग पंचम काल में कितने आचरण से गिर गए हैं ये सोच भी नहीं सकते तुमसे बहाना बनाते हो शक्ति नहीं है बहाना बनाते हो व्यवस्था नहीं है लेकिन एक छने पानी का लेने का नियम का मतलब पता तुम्हें अपना स्वभाव का ज्ञान हो जाएगा अपनी दया स्वभाव का अपनी करुणा का अपने आनंद का तुम्हें पता चल जाएगा स्वस्थ तो हो गए होगे समय मिलेगा तो धर्म ध्यान भी करोगे जो पार्टी शार्टी में टाइम लग रहा वो समय बर्बाद तो कम कम होगा स्वाध्याय में समय आएगा तत्वचर्या तो चर्या तत्व तो चर्चा में समय बीतेगा तो क्या होगा जल्दी कल्याण होगा कि नहीं होगा है बोलो दिन भर जो उठाया खाया पिया जब पता चलिए छना नहीं है तो खाओगे नहीं सारा का सारा समय जो है वो इसी में तो जा रहा है एक नियम ले लो बस चलो आज से मैं कहता तो तुम होटल में खाना पर पूछ लेना छने पानी का है कि नहीं चलो छोट हल्दीराम का भोजन का छोट पर पूछना किसका होना चाहिए खाओ नहीं होगा ना एक नियम तुम जैन कुल धर्म का है वो जैन धर्म का नहीं है तुम्हारे कुल धर्म का है जैन धर्म में पैदा हुए तो कंडीशन है क्या कंडीशन है पानी छान के पीना देव दर्शन करना और रात्रि भोजन ये तुम्हारा कुल धर्म है जैन धर्म नहीं है जैन धर्म तो अनुव्रत तो महाव्रत है जैन धर्म तो रत्नात्रय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये जैन धर्म है पानी छान के पीना रात्रि भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना जैन धर्म नहीं है ये तुम्हारे कुल में पैदा होने के प्रोटोकॉल है यदि आप अपने नाम के आगे पीछे जैन लिखना चाहते हो तो ये कंडीशन अप्लाई है यदि आप हमारा मुहर यूज करना चाहते हो तो ये कंडीशन है अभी हमने संस्कृति मंत्रालय से कार्यक्रम किया तो लोगों का निशान ऐसे नहीं मिल जाता सरकार का शेर का चिन्ह लगाने को ऐसे नहीं मिल जाता बहुत सारी कंडीशन होती है कंडीशन अप्लाई आप ये ये फॉलो करोगे तो आपके लिए मोहर लगाने के लिए स्वीकृति दी जा रही वरना नहीं दी जाएगी तो मैं आपके नाम के पीछे जैन लगाने की स्वीकृति दूं या समाज दे तो क्यों दे शास्त्र दे तो क्यों दे और गुरु दे तो क्यों दे कंडीशन अप्लाई आपके ये तीन चीज़ पालन कर रहे नहीं कर रहे पहले बताओ गुरु जी नहीं कर रहे हो छोड़ो नाम नहीं लगेगा तुम्हारा ये या फिर उसमें लिखो क्या लिखो ज्ञान चंद्र नाम जैन क्या लिखो बोलो क्या लिखना है जैन के आगे क्या लिखोगे नाम जैन बोलो जैन और करोगे तो लिखते लेना ना ज्ञानचंद भाव जैन क्या हूँ मैं भाव से भी हूँ द्रव्य से भी हूँ नाम जैन स्थापना जैन द्रव्य जैन भाव जैन चार प्रकार के जैन होते हैं ना तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मैं नाम जैन हूँ नामी जैन हूँ नामधारी लोग होते ना है तुम भी नामधारी बनो नामधारी जैन बोलो ज्ञानचंद नामधारी जैन वो समझ जाएगा भैया नाम का जैन है एक काम का जैन कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना लोगों को कम से कम कि जैन भी कहलाता है और रात्रि भोजन भी करता है जैन भी कहलाता है और चाट पकौड़ी के होटल में खड़ा होता है कल तो ये सौधर्मिन बना था और आज चाट पकौड़ी में खड़ा हुआ है डॉक्टर साहब जी कल तो क्या था वो पंच पंचकल्याणक में भाई साहब ने सौधर्मिंद बने सारी दुनिया को बताया अपने दोस्त फ्रेंड को बताया और आज बढ़िया हल्दीराम में प्याज खा रहा है आलू खा रहा है रात्रि भोजन कर रहा है अनछना पानी पी रहा है बोल तो जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है कि अप्रभावना कर रहा है क्या कर रहे हो तुम तो? और सारी दुनिया जानती है जैन कौन जो भैया रात्रि भोजन नहीं खाता सारे एक एक अजैन व्यक्ति से चलते फिरते पूछ लो भाई जैन मतलब भाई जैन भी तुम पता नहीं कौन होते कौन होते हैं भैया भोजन नहीं करते ये लोग बाहर का नहीं खाते अनछना पानी नहीं पीते अच्छा वो जैन और तुम क्या कर रहे हो तो क्या लिखना चाहिए तुमसे कल से ऐ नामधारी जैन बोलो और जो करता हो उसे कुछ नहीं जरूरत नहीं उसे नाम लिखो वह सैमचंद जैन ज्ञानचंद जैन वो समझ में आ जाएगा भी जैन मात्र लिखा इसका मतलब है तुमको पता है तुमको सिद्धि क्यों बुलवाते हैं साधु प्रगान करते हो हे स्वामी आत्रो आत्रो तिस्तो तिस्तो मन शुद्धि वचन शुद्धि ये प्रोटोकॉल है हमें समझ में आना चाहिए कि तुम जैन हो हमें यह समझ में आना चाहिए कि तुम दाता के गुण जानते हो हमें यह समझ में आना चाहिए कि तुम नौदा भक्ति जानते हो वल् बोलने की जरूरत क्या थी आए थे आइए महाराज जी ये थाली दे जाते या ले जाते है? काम खत्म लेकिन जब दूर से तुम बोल रहे हो हमारे कानों में सुनाई दे रहा है हे स्वामी नमोस्तु 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 आत्रो आत्रो आतरो आतरो और क्या बोल रहे हो पर मन शुद्धि वचन शुद्धि अरे पक्का जयनी मिल गया चलो काम खत्म हमें चौके पूछने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें आलू का त्याग है कि नहीं प्याज का त्याग है कि नहीं और मैं बोलू मैं पूछू तो मुझे अंतराय करना चाहिए क्यों क्योंकि आहार के समय यदि अवक्ष वस्तु का मुझे याद आ रहा है मुझे मांस मदिरा का याद आ रहा है तो उसमें भी मुझे दोष घना वाला दोष के मुझे अंतराय करना चाहिए क्यों क्योंकि मुझे मांस में पूछ रहा तेरा अष्टमूल को नियम है कि नहीं महाराज अष्टम क्या होता है मांस मदिरा का त्याग है कि नहीं अंडे का त्याग है कि नहीं आलू प्याज का त्याग है कि नहीं मैं तुझसे पूछ रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं मैं आर कर रहा हूं तो आचार्य मोहन ने प्रोटोकॉल ही बना दिया नवदा भक्ति का बेटा पहले नौदा भक्ति बोलो अब इसके बाद तुम जो करो तुम्हारा काम तुम्हारा कर्म तुम्हारा नरक तुम्हारा निगो तुम जानो हमारा मतलब कुछ नहीं है वैसे लोग बोलते महाराज जी अब कई साधु में से मिलते बोलते आप बिना नियम कैसे भोजन ले लेते हो मैंने मैं नियम से भोजन लेता हूँ बोले कैसे बोले उसने बोला है ना चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के बोला हे hey, स्वामी आइए 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 मेरा मन भी शुद्ध है मेरा वचन भी शुद्ध है मेरा द्रव्य भी शुद्ध है मेरी काया भी शुद्ध है मेरा आहार जल भी शुद्ध है अब मुझे क्या बुलवाना है इसके अलावा अब वो झूठ बोले कौआ काटे उसका काम झूठ बोले नरक जाए निगोज जाए उसका काम आपसुक एक दाना भी अशुद्ध सुनो भाई अशुद्ध वस्तु मुनिराज के हाथ में एक दाना भी देने से कुभो भूमि का बंद होता है शास्त्र में लिखा है किसमें लिखा है ना दो तो मोक्ष चले जाओगे अनुमोदना मात्र से ना दो तो स्वर्ग चले जाओगे अनुमोदना मात्र से लेकिन देकर के तुम कुभोग चले जाओगे यदि अशुद्ध घी है अशुद्ध दूध है अशुद्ध पानी है अशुद्ध प्राश स्थान है इसके मात्र से यदि उस समय बंद हुआ उस समय मनुष्य गति का बंद हुआ आहार दान देते समय अशुद्ध वस्तु देते समय या अशुद्ध द्रव्य से या असोले से देते समय तुमने आहार दान दिया उस समय आयु का बंद बंधा मनुष्य आयु का बंद बंधा नियम से कुभो भूमि का बंद बंधेगा शास्त्र पढ़ लो इसलिए एक वस्तु बनाना पर कैसे बनाना कैसे बनाना बिल्कुल अपने हाथ से निज हाथ से मुनिराज कभी मांगते नहीं दस आइटम मांगते हैं तुमसे पानी पिला देना कोई दिक्कत नहीं है एक एक अनाज खिला देना कोई दिक्कत नहीं है दूध प्रासुक ना मिले तो बिल्कुल बोल देना दूध नहीं है छाछ नहीं है तो नहीं है नहीं बोल देना मना कर देना स्पष्ट मना कर दे महाराज को बोलते हैं छाछ लाओ बोलते हैं नहीं बोलते है। जो थाली में दिखाया महाराज उसी का उपयोग कर लेते हैं बस उसी का प्रमाण बना लेते हैं तुमने दिखाया दूध तो दूध ले लिया तुमने दिखाया छाँच तो छाछ ले लिया तुमने दिखाया सब्जी फल तो वो ले लिया वरना लेते हैं क्या नहीं लेते हैं जो दिखाओगे वही लेंगे अथवा तो जो दिखाओगे सब कुछ तो और भी उठवा देते हैं कि थोड़ी आसक्ति और कम करना है हमको तो तुम कम देना दस घंटे में नहीं आराम से एक घंटे बना लो दो आइटम बना लो पर कैसा होना चाहिए दिखावे मत जाना कि मुझे डोसा भी खिलाना मुझे इडली भी खिलाना मुझे ये भी खिलाना मुझे बाटी भी खिलाना मुझे ये भी वो भी दुनिया भर के खिलाना है और जैसे वैसे तल दिया जैसे वैसे लगा दिया और लो महाराज खा लिया सुनो कहाँ जाओगे बोलो ये आगम कह रहा मैं नहीं कह रहा भाई मैं डरा भी बिल्कुल ही नहीं हूँ इसका मतलब नहीं कल से तुम चौका लगाना बंद कर दो महाराज हमें नहीं जाना को ही जाओ जहाँ जाना हो कोशिश करो शुद्धता की कोशिश करो कम बनाने की कोशिश करो लिमिट की बनाने की जो शुद्ध है प्रासुक अच्छा कम से कम बन सके तुम घर में भोजन कैसे करते हो एक दाल एक सब्जी एक रोटी इतने करते हो ना कभी कभार मीठा कभी कभार फल कभी कभार मौसम में जूस फल चल चल गया रोज़ तो नहीं चलता ना तुम वैसा क्यों नहीं करते साधु के साथ क्यों नहीं करते हो वो अलग से आए हैं क्या कोई अलग से नहीं आए हैं जो तुम फालतू आइटम चलाते हो वो रोटी से अन्न भर अन्न से काम कर लेंगे वो दो रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे जो और आइटम खिला रहे थे अशुद्ध वो दो रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे वो तो और मजबूत रहेगा साधना में काम पड़ेगा अन्न ठोस रहेगा और समाज अच्छी होगी नहीं समझे ये बीच में प्रसंग आया तो बता दिया लेकिन बात तो ये चल रही थी कि शुद्ध जीव में योग स्थान नहीं है जिस निमित्त से योग स्थान हो रहे हैं जितने प्रकार के योग स्थान हो रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करने वाला मिल जाए और उसके कारण मैं क्रोध करूं तो मेरी आत्मा के जो जितने भी कंपायमान स्थितियां हो रही हैं वो योग स्थान बन रहे हैं कोई धीरे क्रोध करता है कोई और तेज करता कोई और तेज करता कोई चिल्लाता है कोई चीखता है फिर मारता भी है पीटता भी है हाथ भी उठाता है, बोलता भी है ये सारे के सारे द्रव्य मन काय के संयोग से आत्मा में जितना परिस्पंदन हो रहा है ये सब योग स्थान है पर वो जीव के शुद्ध नहीं है ये बात ध्यान रखना ये आत्मा के योग के स्थान नहीं है ये आत्मा का योग स्थान नहीं है और सुनो आगे आएगा ये आत्मा का अशुद्ध उपयोग स्थान भी नहीं है आगे आएगा इसी में आएगा अभी जब मार्गना पढ़ेंगे तो उसमें वो भी आ जाएगा ज्ञान मार्गना में वो भी आ जाएगा खुलासा करेंगे वहाँ भी ज्ञान मारना में मति मति ज्ञान मेरा नहीं है शुद्ध ज्ञान मेरा नहीं है अवधि ज्ञान मेरा नहीं है बड़ी बड़ी बातें हो नहीं है वो 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 स्थान भी मेरा मन पर स्थान भी मेरा नहीं है महाराज जी कैसी बहकी बहकी बातें करते पहले तो बोलते सम्यक ज्ञान है फिर बोलते ज्ञान नहीं है ये बाद में बताएंगे बाद में चर्चा करेंगे ये आपको समझाएंगे कि योग स्थान भी जो है जीव का नहीं है आगे चलते हैं, ना बंद ठाणावा जीव से न बंद ठाणावा जीव का बंद स्थान भी नहीं है जितने प्रकार के बंद 148 सौ अड़तालीस प्रगतियां होती हैं जिसमें बंद योग प्रगतियाँ हैं उस बंध योग प्रगति से आत्मा में जो बंधत्व के परिणाम पाए जाते हैं बंधत्व की स्थिति पाई जाती है वो भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है जैसे क्रोध कर्म करूं तो क्रोध कर्म मैंने किया या क्रोध भाव मैंने किया क्रोध भाव जो मैंने किया उस क्रोध भाव का जो बंद स्थान है वो मेरा पहले तो आप लगाओ कि बंद किससे होता है मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय और योग ये तीनों जीप की तरह से लगाना प्रगति की ओर से मत लगाना प्रगति की ओर से बंद नहीं होता है प्रगति की ओर से आश्रय होता है बस क्या होता है आश्रय होता है उसमें स्थिति पढ़ना अनुभाग वाक पढ़ना किसका काम है कसाय का काम है कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद पड़ता है और योग से मात्र क्या होता है बोलो आश्रय होता है योग से तो क्या होता है काय वांग मना कर्म योग सह आश्र ये जजमेंट है कि नहीं तत्वा सूत्र में इससे क्या होता है मात्र पर मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय योग बंध है ये जो कसाय के परिणाम है योग के परिणाम हैं बंध और ये प्रमाद के परिणाम हैं ठीक है ना अवृति के रूप परिणाम हैं ये सारे के सारे परिणाम आत्मा के जो परिणाम हैं इन परिणामों से क्या होता है लेकिन ये बंध भी शुद्ध जीव की अवस्था शुद्ध जीव में काय का मिथ्यात काय का अवृति काय का प्रमाद का काय का कसाय काय का योग ये जितने भी स्थान हैं ये मेरे जीवस से नथी बंदर ठाणा क्यों सबे पोगल दबस ये जरूर कोट करते जाना हर बार ये नीचे की लाइन कोट किए बिना बोलोगे तो गडबड हो जाएगा पहले तो ये लगाना है कि शुद्ध जीव के नहीं है क्यों क्योंकि सभ्य पुगल द्रब्बस से परिणाम द्रव्य के परिणाम यदि प्रतिफलित होते हैं तो पुदगल में ही होते मेरे में नहीं होते हैं और मेरे में हो रहे हैं पुदगल के निमित्त से तो वो शुद्ध नहीं है वो अशुद्ध है इतना ही शेष कल कार्यक्रम पाठशाला के पुण्य थे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोधी कॉलोनी दिल्ली